नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। वहीं उन्होंने इस बार ट्वीट करते हुए कहा है कि मोदी जी सरकारी कंपनी बेचो की मुहिम चला रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहते हैं। वे जीडीपी, अर्थव्यवस्था और कोरोना वायरस को लेकर सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। अब मंगलवार को एक बार फिर उन्होंने मोदी सरकार पर हमला किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि LIC को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, मोदी जी सरकारी कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। खुद की बनाई आर्थिक बेहाली की भरपाई के लिए देश की संपत्ति को थोड़ा थोड़ा करके बेचा जा रहा है। जनता के भविष्य और भरोसे को ताक पर रखकर LIC को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। अपने ट्वीट के साथ उन्होंने एक खबर को साझा किया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार LIC में 25% हिस्सेदारी को बेचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, HBL न्यूज़।